हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं पाव का हलवा। इसके लिए मैंने इस तरह के 6 पाव लिए हैं। आपको इस तरह के पाव बेकरी में आराम से मिल जाते हैं। अगर आपके पास इस तरह के पाव अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ब्रेड से भी बना सकते हैं। अब हम इसे 4 पीसेस में कट करेंगे। सभी पाव को हम 4-4 पीसेस में कट कर लेंगे। सभी पाव को हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन को हमने हीट करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 1/2 कप घी ऐड किया है। ये पाव का हलवा आप तेल में भी बना सकते हैं, पर घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस पैन में हम सभी पाव के पीसेस को ऐड करेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। आप सिंगल सिंगल भी डीप फ्राई कर सकते हैं सब पाव को, लेकिन वो बहुत ऑयली हो जाता है, इसलिए इस तरह हम थोड़े घी में इसे क्रिस्पी फ्राई करेंगे। एक साइड से हमारे पाव हो जाएंगे तो हम इसको टर्न करके दूसरे साइड से भी अच्छे क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। इसको हमने स्लो फ्लेम पर रखा है, इसे पलट पलट कर हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। सभी पाव को मैंने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं सब पाव हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। 1/2 लीटर मिल्क को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून काजू की पाउडर। काजू को मैंने पल्स करके ग्राइंड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 100 ग्राम्स मावा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी केसर की कुछ स्ट्रैंड्स जो मैंने मिल्क में सोक किया था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स। मैंने बादाम, पिस्ता और चारोली को स्लाइस करके रखा है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून लेमन येलो कलर। इसको अच्छे से बॉईल आने तक कुक कर लेंगे। अब हम उस मिक्सचर को ब्रेड जिसमें हमने टोस्ट किए थे उस पैन में ऐड कर देंगे। पैन को हमने हीट करने के लिए रख दिया है और ये मिक्सचर अब हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम अब हम फास्ट करेंगे और जब तक ये ब्रेड मिल्क सोक नहीं कर लेता हम इसको कुक करेंगे। पाव ने सभी मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इस गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सर्विंग प्लेट में इसको निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर मावा डालेंगे। आप चाहो तो इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैंने 100 ग्राम्स मावा मिल्क में ऐड किया था और 100 ग्राम्स इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास चेरी है तो आप चेरीज भी ऐड कर सकते हैं। पाव का हलवा हमारा बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।